बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव डेटिंग, रेडियोमेट्री भी कहते हैं। ये क्या है तरीका, इसका मतलब क्या है रेडियो एक्टिव डेटिंग का? इसका मैं इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि एक अक्सर हम बचपन में तो सुनते थे, या जब डायनासोर के बारे में सुनना शुरू किया, ये इतने हज़ार साल पुराने ढांचे दरियाफ्त हुए, इतने लाखों साल पुराने ढांचे दरियाफ्त हुए, फलां पहाड़ है उसकी इतनी लाख साल उम्र है, यहाँ ख़ासकर जो लावा जहाँ से निकलता है ये इतने हज़ारों साल पुराना, ये इसका वहाँ से आसार मिले हैं, कोई दरियाफ्त हुई है, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवरी करते हैं, तो ये शहर इतने हज़ार साल पहले यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, जैसे पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, ये टेक्सला में खंडरात मिलते हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये भी हज़ारों साल पुराने हैं। अब उनकी कैसे उनका अंदाज़ा होता है, कितने ये कैसे उसका इतना प्रिसाइजली साइंटिस्ट कह सकते हैं कि ये इतने हज़ार साल पुरानी है, जो ये इमारत थी या मकाना थे, या जो स्पेशली अहराम मिस्र में जो बिल्डिंग्स बनी हैं, जो हमारे अहराम नज़र आते हैं, तो वो उनकी चट्टाने कहाँ से लाई गई, उनके लिए पत्थर कहाँ से लाए गए, उनके लिए जो मटेरियल है वो कहाँ से लाया गया, और ये कितने हज़ारों साल पुराने मटेरियल है इन अहराम का, फिर उनके अंदर जो ढांचे हैं उनकी उम्रें कितनी हैं, तो ये सारा कैसे पता चलता है, कौन सा ऐसा तरीका है? तो उनमें से एक है रेडियो एक्टिव डेटिंग। अब रेडियो एक्टिविटी सिर्फ हमारे जहन में तो एक इसका एटम बम से रिलेटेड ही आता है, या एटॉमिक पावर से रिलेटेड, जिसमें बस तबाही हमें नज़र आती है, या उसके बारे में कहा जाता है कि जैसे यहाँ भी आप इसके डेफिनेशन में भी आपको यह लिखा हुआ है, हार्मफुल रेडिएशन। अब रेडिएशन नो डाउट हार्मफुल ही होती हैं, ये जो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल एमिट करते रहते हैं डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस में, लेकिन इसको यूज़फुल भी बनाया जा सकता है, यूज़फुल भी बनाया जा चुका है। इनका बहुत इस्तेमाल मेडिकल में इस्तेमाल हो रहे हैं, इलाज के लिए, डिफरेंट बीमारियों के डायग्नोस्टिक के लिए। तो इसी तरह से एक ये मेथड है रेडियो एक्टिविटी के, इस मेथड को हमने मटेरियल्स को स्टडी करने के लिए भी यूज़ किया है, स्पेशली जो ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, पुराने स्ट्रक्चर हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, रॉक्स हैं, उनके बारे में स्टडी करने के लिए। अब ये प्रॉपर्टी, हम थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि हमें आइडिया हो जाए, जैसे एक्सेस और लैकिंग ऑफ न्यूट्रॉन, ये प्रॉपर्टी आती किस वजह से रेडियो एक्टिविटी की, व्हाई दे मेड दिस स्पॉन्टेनियसली सर्टेन रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन उनकी कैसे होती है? तो ये पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे तो 83 से ऊपर के जो न्यूक्लियर हैं वो उनके बारे में ये नेचुरली रेडियो एक्टिव मटीरियल है। तो उसका डिफरेंस उसमें, जैसे जैसे एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हैवी न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं, तो उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में इम्बैलेंस आता जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम नहीं रहते जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। सो ड्यू टू दिस रीजन देयर एग्जिस्ट द अनस्टेबिलिटी इन द न्यूक्लियस। सो हैवी न्यूक्लियर जनरली अनस्टेबल, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। ये क्या है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कि किसी एक टाइम पे जो नंबर ऑफ सैंपल एग्जिस्ट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल, इसको एन से टोटल नंबर ऑफ एन से डिनोट कर रहे हैं, इसका रेट ऑफ डिके जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल नंबर ऑफ एटम। जितने ज़्यादा एटम उसमें एग्जिस्ट करेंगे होंगे एक टाइम पे, उतना ही ज़्यादा डिके रेट होगा।
मसलन एक एग्जांपल है, हम यहाँ पे कोबाल्ट 60 के एक एग्जांपल लेते हैं जो बहुत कॉमनली यूज है मेडिकल में। वैसे तो कोबाल्ट इटसेल्फ नेचुरली रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है और इसका हाफ लाइफ टाइम जो है इसके जिसमें इसके हाफ ऑफ दी एटम जो है ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ये 5.7 ईयर आई थिंक इसका हाफ लाइफ जो है। तो अब 5 साल के बाद, 5 साल तक ये डिके रेट इसका जो होगा 5.7 साल के बाद, ये उसके जो कि नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियाई रिड्यूस हो जाएंगे हाफ, उनके डिके रेट जो जितने रेडिएशन जिस तरह पहले हाफ लाइफ के दौरान एमिट कर रहा था वो उससे रिड्यूस हो जाएंगे। अब अगर फर्ज कर किसी पेशेंट को और सर्टेन डोज दी जा रही है, पहले सैंपल जब ये यूज़ करना शुरू किया गया और इसको जितने टाइम के लिए फर्ज करें 10 मिनट के लिए डोज दी जा रही थी, तो नेक्स्ट 5 ईयर फिर उसको बढ़ाना, टाइम डबल करना पड़ेगा क्योंकि अब नंबर ऑफ रेडिएशन जो उससे एमिट हो रही थी उसके वो रिड्यूस हो गए। सो इस तरह से ये इसकी हम लाइफ को डिटरमिन कर सकते हैं कि कितना सैंपल पुराना है। तो इसी तरह से आगे भी ये प्रोसेस डिफरेंट एलिमेंट इसी प्रॉपर्टी को, हाफ लाइफ की मेनली प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करके इसको यूज़ करके रॉक्स की या डिफरेंट मटेरियल्स की लाइफ डिटरमिन की जाती है। अब यहाँ पे 4 मेथड मेनली यूज होते हैं। नंबर 1 यूनेनियम लेड, फिर पोटेशियम आर्गन, रुबिडियम स्ट्रॉन्शियम और कार्बन डेटिंग। यूरेनियम जब डिसइंटीग्रेट होता है वो लेड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर सर्टेन टाइम। तो अब अगर किसी रॉक में स्ट्रक्चर में हमें यूरेनियम, हमें लेड के ऐसे आइसोटोप मिलते हैं जो डिसइंटीग्रेटेड है, मीन्स के इसमें यूरेनियम इज अ पेरेंट, विल बी पेरेंट न्यूक्लियाई एंड लेड इज द डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियस न्यूक्लियाई को कहते हैं जो डिसइंटीग्रेशन के बाद बनता है, जो मेन इस मटेरियल से डिसइंटीग्रेशन के बाद बने। अब इसमें यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है इंटू लेड, तो लेड विल बी द डॉटर न्यूक्लियाई। पोटाशियम ऑर्गन में मेथड में पोटाशियम विल बी द पेरेंट न्यूक्लियाई एंड ऑर्गन विल बी द डॉटर न्यूक्लियाई। अब रिमेंबर पोटाशियम इज अ वेरी एक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल, एंड ऑन द अदर हैंड ऑर्गन इज अ स्टेबल गैस, नोबल गैस। रुबिडियम स्ट्रॉन्शियम कार्बन डेटिंग, यूरेनियम लेड डेटिंग मेथड में वी नाउ यूरेनियम हैज टू टाइप्स ऑफ कॉमन आइसोटोप, रेडियो एक्टिव गामा U238 एंड U235। तो बोथ आर अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव। तो आफ्टर सर्टन टाइम इन केस गेट दैट दे कन्वर्टेड इन टू लेड। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स हाफ लाइफ ऑफ द यूरेनियम इज 704 मिलियन ईयर्स। So if you study some rock and see there are certain number of atoms found of lead in any sample, then we can see suppose all of them is converted found created by the decay of uranium. So by calculating the ratio of uranium to lead atoms can find the age of, we estimate the age of that rock. Then potassium argon method. Potassium, whose atomic number is 40, and it's one of the isotope is radioactive. Mostly it is found in stable form,
but out of billions of the atoms of the potassium, there is a one atom which is one nucleus which is a radioactive. So if you have, if we find some ratio in any rock, so we need to know the number of atoms, radioactive atoms of the argon, so that we can find the ratio of the potassium to argon atom nuclei, and then we can find the age of the certain rock. So ye method normally hum volcanic rocks ki age ko determine karne ke liye use karte hain. Jo rubidium strontium hai, iska bhi isi tarah se hum 49 billion years half life hai uski, to iski help se bhi bahut purane structures ko study kiya ja sakta hai. Then most interesting, carbon dating. Interesting तो खैर बाकी भी हैं, लेकिन इसमें से carbon dating. Carbon normally naturally exists in stable form. So then how can help us to find the age of the different skeleton or different organic materials with based on the carbon. So एक तो ये एक नेचुरली कार्बन प्रोड्यूस होने का प्रोसेस एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, जैसे अब जो एग्जिस्टेंस सबसे ज़्यादा है जिस एलिमेंट की, जिस गैस की एटमॉस्फेयर में, वो नाइट्रोजन है. तो जब कॉस्मिक रेडिएशन से इंटरेक्शन होता है नाइट्रोजन का, या अपर एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक के साथ साथ हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, तो नाइट्रोजन बेसिकली ट्रांसफॉर्म इनटू द कार्बन 14. सो ड्यूरिंग द अवर ब्रीथिंग प्रोसेस, जस्ट लाइक इन फोटोसेंथेसिस प्रोसेस, फोटोसेंथेसिस प्रोसेस में ये क्या होता है कि सनलाइट वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस द ऑक्सीजन एंड अदर फूड फॉर द प्लांट्स. फोटोसेंथेसिस के प्रोसेस में ये चीज़ों का कार्बन को वो यूज़ करते हैं प्लांट्स भी. सेम इज द केस विद द लिविंग बॉडीज, वो इनहेल करते हैं जब ब्रीथ करते हैं, तो कार्बन का साइकिल चलता रहता है विद इन लिविंग बॉडीज. तो इसलिए कार्बन का बैलेंस ड्यूरिंग लिविंग लाइफ हमारे वो सेम रहता है. लेकिन जैसे प्लांट्स में भी ऐसा ही है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में कार्बन यूज़ कर रहे हैं और कार्बन अब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उसको डिफरेंट मतलब वुड की फॉर्म में या किसी भी तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हमें कार्बन भी मिलता रहता है. तो लेकिन व्हेन सम लिविंग बॉडीज डाइज, जब भी कोई किसी की डेथ होती है या उसका ये प्रोसेस रुक जाता है, साइकिल रुक जाता है कार्बन साइकिल, तो अब उसके बाद क्या होता है कि अब उसके बाद वो फर्दर तो इनहेल नहीं कर रहे कार्बन, या नहीं ले पा रहे कार्बन को यूज़ नहीं कर रहे, तो अब भी होगा कि उनकी बॉडी के अंदर भी कार्बन के एटम्स की रेशो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाएगी. तो आफ्टर सो मैनी ईयर्स, हाफ लाइफ उसकी कार्बन की तो 5.5730 ईयर्स है, 5730 ईयर्स है हाफ लाइफ. लेकिन एक खास टाइम के बाद जो भी उसकी हमें रेशियो मिलेगी कार्बन के रेडियो एक्टिव के डिकेस के बाद, तो हम उसकी एटम की बॉडी की लाइफ का हम अंदाज़ा कर सकते हैं. तो ये एक सारा चार्ट की फॉर्म में भी गिवन है, ये इंटरनेट से लिया है, इसका नीचे लिंक भी दिया है. तो यूरेनियम लेड की केस में हम कौन से मिनरल यूज़ कर सकते हो रहे हैं इसमें, हम ये यूज़ करता है पोटेशियम आर्गन, जिनकी हाफ लाइफ भी गिवन है 1300 मिलियन. सबसे ज़्यादा यूरेनियम लेड है जो सबसे ज़्यादा पुराने एक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, और उसके बाद है रुबिडियम स्ट्रॉन्शियम. तो ये उनसे भी पुराने स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज़ हो सकती है. ये दोनों ऐसे मटेरियल जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के स्ट्रक्चर्स की भी लाइफ डिटरमिन की जा सकती है इस मेथड से. और कार्बन नाइट्रोजन मेथड में वुड, चारकोल, पीट, टिश्यूज कंटेनिंग डिसॉल्व कार्बन, यहाँ स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी करने के लिए यूज़ होता है.
अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल गिवन है कि हम डिटरमिन करते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को यूज़ करते हुए, एक मून रॉक सैंपल गिवन है, इसमें रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टेबल ऑर्गन एटम्स प्रेजेंट टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पोटेशियम एटम इज 10.3। गिवन डाटा है आपको, ये मे बी ड्यूरिंग ट्रेवल टू द मून साइंटिस्ट ने या डिफरेंट जो उनके साइंटिस्ट ने अपने भेजे डिफरेंट तरीके से उन्होंने कलेक्ट किए होंगे मून रॉक सैंपल, तो उसको यूटिलाइज करते हुए इस डाटा को जो रॉक्स मिली की एज डिटरमिन करनी है। तो ये सबसे पहले सपोज करें ऑल द एटम्स वर प्रोड्यूस बाय द डिके ऑफ पोटेशियम एटम विद हाफ लाइफ ऑफ 1.2 × 10⁻⁹ ईयर, हाउ ओल्ड इज द रॉक। अब वो जो रॉक है उसकी एज डिटरमिन करनी है। तो गिवन इसमें है कि रेडियो एक्टिविटी गिवन है हमें नंबर ऑफ ऑर्गन टू पोटेशियम रेशियो 10.3, हाफ लाइफ है 1.25 × 10⁹ ईयर्स। वी नाउ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डेरिवेशन के बाद दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। जैसे जैसे नंबर ऑफ पोटेशियम के एटम न्यूक्लियाई डिके होते जाएंगे उतने ही ज्यादा ऑर्गन के एटम्स प्रोड्यूस होते जाएंगे। अब स्टार्ट में एन नॉट ए नंबर ऑफ पोटेशियम एटम, वी डोंट नो हाउ मेनी राइट नाउ, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ये टी की वैल्यू फाइंड करनी है एज ऑफ द रॉक। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें एन नॉट को एलिमिनेट करना है, क्योंकि वी डोंट नो द एक्चुअल नंबर ऑफ द पोटेशियम एटम्स इन द सैंपल at the start of the age. Now using the for argon using equation number one, simply यहाँ से हम इसको e raise power minus lambda t को जब left side पे transfer करेंगे तो ये minus sign into plus sign convert हो जाएगा, reciprocal लेंगे जब ये ऊपर चला जाएगा denominator से, ये equation बन जाएगी। अब इसको अगर हम इस तरह से use करें लिखें ऑर्गन प्लस एन के इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगर इसको हम इस तरह से लिखें क्वेश्चन को
एन के ये एन के कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो अब ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करते हैं इसका, तो अब हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है जो ई की पावर में लिखी हुई है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम नेचुरल लॉग लेंगे दोनों साइड पे, वन प्लस एन ए आर्गन और एन के, क्योंकि नेचुरल लॉग ई से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास ये आ जाएगी। तो इसको हम इसी व्यू में रखते हैं फिलहाल, ताकि हमें इधर देखने में आसानी रहे। हमें टी फाइंड करना है, टी डिटरमिन करना है, नेचुरल लॉग वन प्लस एन आर्गन ओवर एन के डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू का हमें पता है, लैम्डा और हाफ लाइफ का क्या रिलेशन होता है, नेचुरल लॉग ऑफ टू ओवर टी वन बाय टू। अब ये टी वन बाय टू भी हमें गिवन है, हम इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं ऊपर इक्वेशन में। T1 by 2, 1 plus 10.1 divided by natural log of T। तो इस तरह से हम इसको जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें रॉक की एज फाइंड करने का एज मिल जाएगी कि कितनी एज है। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, फोर पॉइंट थ्री सेवन ईयर्स। फोर पॉइंट थ्री सेवन ईयर्स नहीं है, फोर पॉइंट नाइन भी आएगा इसकी। तो इस तरह से हम एक एग्जांपल में देखें किस तरह लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को यूज करते हुए हमें आर्गन पोटेशियम पोटेशियम आर्गन की डेटिंग मेथड को यूज करते हुए चांद पे एक चांद पे मौजूद रॉक का स्ट्रक्चर से हमने उसकी आप लाइफ डिटरमिन किया कि कितनी पुरानी है वो रॉक। अब ज़रूरी नहीं कि ये चांद की भी एज हो, ये है उससे मिलने वाली एक रॉक की एज है। मे भी चांद से जब डेवलपमेंट हुई थी किसी भी तरह से ये रॉक एग्जिस्ट कर सकती थी। तो ये था रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड। तो अब इसको सुनिएगा गौर से दोबारा से, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम लिसनिंग दी लेक्चर।